हिमाचल प्रदेश का जिला हमीरपुर पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है। दो सप्ताह पहले हमीरपुर जिला के सुजानपुर शहर में पैराग्लाइडिंग का सफल प्रशिक्षण हुआ है। अब इसके बाद जिला के नदौन में भी रिवर राफ्टिंग का सफल प्रशिक्षण किया गया है। रिवर राफ्टिंग नदौन और सुजानपुर क्षेत्र के साथ बहती व्यास नदी पर की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा सारी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। आगामी 2 माह के बाद नदौन के आसपास के व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का काम शुरू किया जाएगा। वहीं जिला उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने भी जल्द रिवर राफ्टिंग शुरू होने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि इससे जहां पर्यटन की दृष्टि से जिला उभरेगा, वहीं रोजगार के साधन भी पैदा होंगे। उधर हमीरपुर जिला के युवाओं और लोगों ने भी जिला में रिवर राफ्टिंग शुरू होने पर खुशी जाहिर की है और इसे जिला के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। स्थानीय निवासी संजीव शर्मा ने रिवर राफ्टिंग जल्द शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि रिवर राफ्टिंग शुरू होने से नदौन और सुजानपुर के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो स्थानीय लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। संजीव शर्मा ने नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी आभार व्यक्त किया कि उनके प्रयासों से रिवर राफ्टिंग जल्द शुरू होने जा रही है। रिवर राफ्टिंग जो नदौन में जो ये चालू हुआ है, ये वहाँ के पर्यटन को और बढ़ावा देगा और इससे क्या हमारे क्षेत्र में पर्यटन आएंगे और आगे हमारा क्षेत्र बहुत पुराना है, बहुत पुराना शहर था नदौन, जिससे कि इसको और बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले सुजानपुर में भी पैराग्लाइडिंग का सफल परीक्षण हुआ है, जिससे कि यहाँ का प्रशासन जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और विशेषकर नदौन के लिए नदौन के विधायक जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो भी विधायक के पात्र हैं, उन्होंने भी अच्छा कार्य इसमें अपना पूर्ण योगदान दिया। हमीरपुर के युवा रजत सिंह ने कहा कि रिवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही जिला के नदौन में रिवर राफ्टिंग शुरू हो रही है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के सृजन भी बढ़ेंगे। सर, ये बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे यहाँ पे जिला में, हमीरपुर जिला में रिवर राफ्टिंग हो रही है तो इससे हमारे को बहुत ज़्यादा रोजगार, सभी को हर चीज़ मिलेगी। ऐसे हमें कुल्लू मनाली जाना पड़ता है रिवर राफ्टिंग के लिए, और जो हमारे बिजनेस हमारे चले हुए हैं इसके लिए दुकानें हैं, हर चीज़ है, तो उनके ऊपर भी बढ़ावा होगा हर चीज़ का। और जो उसके आसपास के लोग हैं जिनके पास भी रोजगारी है, काम करने का कोई ये नहीं है, ना बचा है कुछ। जैसे आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो अब जो है रिवर राफ्टिंग शुरू होगी तो इससे हमें रोजगार भी मिलेगा, लोगों को अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और लुत्फ भी उठाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ों का, घूमेंगे फिरेंगे और इससे हमारे जिले का जो है वो काम भी अच्छा होगा। उधर अशोक कुमार का कहना है कि नदौन में रिवर राफ्टिंग शुरू होने से जिला का नाम पर्यटन की दृष्टि से उभरेगा और इससे पहले पैराग्लाइडिंग का भी सुजानपुर में सफल ट्रायल रहा है। उन्होंने कहा कि नदौन एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है और रिवर राफ्टिंग के शुरू होने से पर्यटकों के आने से बाकी जगहों को भी एक पहचान मिलेगी, जिससे पूरे जिले को लाभ होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। नदौन बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है, पर वहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, कई गुरुद्वारे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का और ध्यानु भक्त का मंदिर है, वो उपेक्षित थे, लेकिन जब ये रिवर राफ्टिंग के यहाँ प्रयास चालू हुए हैं तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो उन ऐतिहासिक स्थलों का भी वो बढ़ेगा प्रयास, लोग उनको देखने के लिए बहुत उत्सुकता से आएंगे और वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलने से वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। फिर नदौन से पास में ही ज्वाला जी का शक्तिपीठ भी है, जो एक धार्मिक शक्तिपीठ है, वहाँ तक तो लोग पहले ही बहुत से पर्यटक धार्मिक पर्यटन के लिए आते थे, वो फिर नदौन की तरफ भी मुड़ेंगे इतना पास होने के कारण, तो ये वहाँ की पर्यटन और वहाँ की जनता की समृद्धि में 4 चांद लगाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वनी का कहना है कि नदौन में ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग के लिए ट्रायल सफल रहा है और कई बार ट्रायल करने के बाद अब रिवर राफ्टिंग के लिए आगामी 2 माह बाद काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग शुरू होने से जिला में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि रिवर राफ्टिंग के लिए 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। पहली प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग जो है वो लोकल यूथ्स के लिए नदौन में ऑर्गेनाइज करके संपन्न किया सक्सेसफुली, जिसमें 100 यंगस्टर्स को अलग अलग बैचेस में रिवर राफ्टिंग की बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। तो हम सबको पता है कि हमीरपुर में ब्यास नदी जो है वो नदौन और सुजानपुर एरिया से गुजरते हुए जाती है और उसी प्राकृतिक सुंदरता को और नदी के बहाव का इस्तेमाल करते हुए
हमारी ये योजना हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ शुरू करने की की सोची कि क्यों ना हम रिवर राफ्टिंग जो है यहाँ पे एज अ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और टूरिज्म एक्टिविटी के तौर पे शुरू करें। और मैं खुद जो है उनकी ट्रेनिंग की क्लोजिंग के समय जो है वहाँ खुद गई थी और उनके यंगस्टर्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनसे इंटरेक्ट किया। और बहुत अच्छी बात है कि जितने यंगस्टर्स उसमें काफी सारे महिला ट्रेनीज भी थी, काफी सारी लड़कियों ने भी रिवर राफ्टिंग गाइड्स के तौर पे प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग ली, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सारे यंगस्टर्स ने बहुत जोश और बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने डिमांड की कि हमें अगली ट्रेनिंग और लंबी और थोड़ी कठिन ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि हम काफी उनमें से लोग जो है वो प्रोफेशनली इसको जो है वहाँ शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड लगे। तो इसीलिए उसी कड़ी में हमने अगली ट्रेनिंग जब भी कुछ समय के अंदर ही 15 दिन की ट्रेनिंग जो है एक 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 मुश्त ट्रेनिंग भी हम प्लान कर रहे हैं। और साथ ही में इंडस्ट्रीज विभाग के जो स्कीम्स हैं जिसमें यंगस्टर्स को अपना रिवर राफ्टिंग के प्रति जो है उनको जो भी परचेज इक्विपमेंट की जरूरत है उसकी सहायता भी हम करके कन्वर्जेंस में इन दोनों स्कीम्स को चलाने की हमने योजना हम बना रहे हैं। और इसके लिए जो हमारी नदौन की लोकल जो टीम है BDO SDM और खासकर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने काफी अच्छी इसमें जो है भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी पहल की है। और नदौन के जो हमारे प्रशिक्षु हैं जो यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस चीज को अपनाया है। तो हम आशा करते हैं कि हमीरपुर जिले के लिए एक और माइलस्टोन टूरिज्म के ये देखिए बारिश के मौसम में यूजुअली इस तरह की एडवेंचर टूरिज्म के एक्टिविटीज स्पेशली जहाँ पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं कर पाते हैं हम। तो शायद अगले 2-3 महीने में थोड़ा हम ट्रेनिंग्स या बाकी के इश्यूज में थोड़ा मोबिलाइजेशन और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस या ग्राउंड ट्रेनिंग पर शायद जोर थोड़ा ज्यादा देंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिर से हमारी सितंबर के बाद जो है वो थोड़ी जोरों से शुरू होंगी। और जैसे ही जो क्लियरेंसेस होती हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो गवर्नमेंट से अप्रूवल्स आती हैं उसको भी हम इन द मीन टाइम जोरों से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगले 3-4 महीनों में जब वर्षा खत्म हो जाए तो हम थोड़े प्राइवेट बेसिस पे जो है जरूर इसको टूरिस्ट के लिए खोलें। तो राफ्टिंग देखते हैं अपर एरियाज में थोड़े हाइट्स पे ज्यादा होती है, शायद ये बहुत कम ही ऐसे लोकेशन है। नदौन शायद पहली बार इस तरह के मैदानी इलाकों में जो है एक तरह से हिमाचल के वो रिवर राफ्टिंग का एक जो कार्य जो है हमने शुरू कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कई लोगों के ऐसे इनपुट्स भी रहे थे कि यहाँ पानी उतना ज्यादा रैपिड या तेज रफ्तार का नहीं होता जिसमें एडवेंचर बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो, लेकिन जब बच्चों ने खुद किया वहां पे हमारे जो फेडरेशन जो है हमारे रिवर राफ्टिंग ऑल इंडिया फेडरेशन उनके जो लोगों ने भी आके यहाँ पे किया उन्होंने टेक्निकली ना केवल टेक्निकली बट अदरवाइज फ्रॉम द एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको बहुत अच्छा एक लोकेशन इसलिए कहा है कि कई लोग हम सब में से सब लोग कई बार उतनी एडवेंचर या उतनी जो है एक रिस्क फैक्टर को प्रॉब्ली नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा अपना नहीं पाते हैं कि हायर रीचेस में जाके इतने तेज रफ्तार में राफ्टिंग करें। तो कई लोग छोटे बच्चे हो या कोई बुजुर्ग हो या इस तरह के लोग हो कई बार इससे डरते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इनफैक्ट हम और ज्यादा लोगों को इसमें केटर कर पाएंगे कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हल्का कम होगा और रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होगा और काफी ज्यादा फैमिलीज और बच्चे और बुजुर्ग या इस तरह का जो डरते होंगे और हम सब में से कुछ में कुछ ना कुछ डर रहता ही है, इसमें कोई बात नहीं है, बट जस्ट बिकॉज हम पानी से उतना ज्यादा जो है थोड़ा डरते हैं या स्विमिंग नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए और ऐसे फैमिलीज के लिए